हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विष्णु गुप्ता एंड वी आर लर्निंग बायोलॉजी हियर। इट इज़ मोर देन अ सब्जेक्ट। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एनिमल किंगडम। इन एनिमल किंगडम वी हैव कम्प्लीटेड अ लॉट ऑफ फाइलम। बहुत सारे फाइलम को हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं और आई थिंक सारे फाइलम आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि अपने दिमाग में ये मत सोचो कि बहुत टिपिकल चीज़ें हैं, बहुत सारे करेक्टरिस्टिक जानने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव भी है, मतलब अगर आप उसको थोड़ा सा समझ के चलोगे तो आपको कंफर्म है 60-70% चीज़ें आपको इजी लगने लगेंगी। ठीक है, तो कभी भी अपने दिमाग में ये मत बिठा के रखना कि कोई भी चीज़ टफ है, हमेशा उसको आसान बनाने की कोशिश करना। कल मैंने एक थॉट भी दिया था, मोटिवेशनल कोड भी बताया था इसी से रिलेटेड। ठीक है, और कल हम लोग ने मोलस्का कंप्लीट कर लिया था। मोलस्का, जैसे मैंने बताया था, मुलायम। ठीक है, मोलस्का से मुलायम मतलब सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती हो उनको बुलाते हैं हम मोलस्का। मतलब और इसी से रिलेट कर सकते हो, अगर किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक शेल होगी, मतलब हार्ड लेयर होगी जो उसको प्रोटेक्ट करेगी। भाई देखो, अगर हमारे पास ब्रेन होता है तो ब्रेन में एक सॉफ्ट ऑर्गन है, डेलिकेट ऑर्गन है, उसके ऊपर जो है देख रहे हो इतना, मतलब बोन की जो कैविटी होती है वो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो अगर एनिमल्स के पास भी अगर कोई सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास क्या होगी, हार्ड कैल्शेरियस शेल होगी। तो इस तरह से मैंने आपको एक करेक्टरिस्टिक से दूसरे करेक्टरिस्टिक को लिंक करना बता रखा है। और जब भी आप कोई करेक्टरिस्टिक एक नए फाइलम में नया देखो तो उसको पिछले वाले से कंपेयर कर लो। जैसे आर्थ्रोपोडा में आपने करेक्टरिस्टिक देखे थे कि उनके बॉडी पार्ट को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और मैंने मोलस्का में बताया कि उनकी बॉडी पार्ट को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो पार्ट अलग अलग हैं। हेड है, फिर क्या है, फिर है फूट, मस्कुलर फूट जिसको बुलाते हैं, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और तीसरा क्या है, विसरल मास या विसरल हम्प। विसरल हम्प का मतलब हो गया इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो जहाँ पे लोकेटेड होते हैं उसको बुलाते हैं विसरल हम्प। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने कल बताई थी आपको। एक बार मैं और थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ, फिर आपको एकिनोडर्मेटा पढ़ा देता हूँ। एकिनोडर्मेटा लास्ट फाइलम होगा इन वर्टिब्रेट्स का, उसके बाद फिर हम लोग कॉर्डेटा पढ़ने लगेंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो कल मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। एक मिनट मुझे मोलस्का पे पहुँच जाने दो। ये देखो, मोलस्का के कुछ मैंने पिक्चर्स दिखा दी थी कि मोलस्का आपके घर में जो शंख रखा होगा, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, वो एक एनिमल था। और जो शंख हम लोग देखते हैं इतना हार्ड होता है वो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ गई, हाँ हम तो मोलस्का के बारे में जानते हैं। और मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि हमारे घर में जब मोरंग जो ग्रिट आती है, जब उसमें हम लोग खेलते हैं तो उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें निकलती थी, हम भी उससे खेले हैं। ठीक है, अभी भी हमें दिख जाता है तो हम उसको लेके ऑब्जर्व करते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो जब उसमें क्या थे, उसमें मोलस्कस ही तो थे। ठीक है, और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि रूरल एरिया में जो पीलर होता है, जो पील आउट करने के काम में आता है, तो रूरल एरिया में वो पीलर ना होके एक इतना सब बड़ा सा पार्ट होता है जिसको बीच में ऐसे उसको रब करके, ठीक है, उसको अब्रेजन करके, उसको घिस के एक पार्ट बना लेते हैं जिससे अनपील करने के काम आता है, मैंगो वगैरह को अनपील करने के काम आता है। रूरल एरिया में ज़्यादा यूज़ होता है। अगर कोई ऐसी फैमिली को बिलोंग कर रहा होगा तो ज़रूर उसने देखा होगा। तो वो भी क्या है, वो एक एक्वेटिक एनिमल है, मतलब मोलस्कस के एग्जांपल हैं। बहुत जगह ऐसा भी होता है जो कोस्टल एरियाज पे रहते हैं तो वो मोलस्का की जो सॉफ्ट बॉडी होती है ना उसको कुक करके खा लेते हैं, और उसका जो हार्ड कैल्शेरियस शेल होती है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसको बाद में सेल कर देते हैं, क्योंकि वो एज अ ऑर्नामेंटल, एज अ डेकोरेटिव पीसेस के तरह यूज़ किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद मैंने ये बता दिया था कि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं एंड दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, इसीलिए इनके भी मेंबर हमें खूब देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी कैरेक्टरिस्टिक बताए थे मैंने कि मेंटल होता है, मेंटल कैविटी होती है, वो मेंटल नहीं, ये मेंटल है। ठीक है, याद रखना। और ये मैंने एक बेसिक बॉडी डिज़ाइन के बारे में आपको बता दिया था कि किस तरह से इनके बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ऊपर हार्ड कैल्शेरियस शेल होती है, मस्कुलर फूट होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद इनके पास एक ऑर्गन होता है रेडुला, जो रेस्पिंग ऑर्गन होता है, जैसे हमारे पास टंग होती है तो कोई भी फूड पार्टिकल जब हम लेके जाते हैं तो टंग उसको क्या करती है, अंदर की तरफ रोल ऑन करती है। तो ऐसे इनके पास भी एक बॉडी ऑर्गन होता है, ये मैंने दिखाया था आपको पिक्चर में कि किस तरह से फूड जो है माउथ के बाद रेडुला के हेल्प से अंदर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये एक रेस्पिंग ऑर्गन हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक थे। उसके बाद इनका ब्लड ब्लू इन कलर होता है, ये भी बताया था।
क्यों ब्लू कलर होता है? क्योंकि इनके ब्लड में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोसाइनिन। जैसे हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, सेम एज इनके ब्लड में हीमोसाइनिन होता है, उसी की वजह से इनका जो ब्लड होता है वो ब्लू इन कलर होता है। और इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज नहीं होता। तो आर्थ्रोपोडा जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है और ये जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, इन दोनों में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप है। क्लियर? ठीक है, तो ये सारे करेक्टरिस्टिक मैंने कल बताए थे। नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था कि किस तरह से नर्व का अरेंजमेंट होता है, ब्रेन बनाने के ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन ही बुला सकते हैं उसको, ठीक है, और वो किस तरह से बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोल रखता है पैराइटल और विसरल नर्व के थ्रू, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स के थ्रू होता है। कुछ जगह पे जो गिल्स होती हैं वो कहाँ पे लगी होती हैं, मेंटल कैविटी के आसपास लगी होती हैं, ठीक है, थीके? और उससे ये ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने कल बता दी थी, इनके पास सेंस ऑर्गन्स कैसे होते हैं, ठीक है, थीके? और मोस्टली जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, सेक्सुअल होता है, यूजुअली डायोशियस। डायोशियस का मतलब हो गया मेल एंड फीमेल अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने कल बता दी थी। अब आ जाते हैं हम एकिनोडर्मेटा पे, ठीक है। एकिनोडर्मेटा क्या है कि देखो, एकिनोडर्मेटा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज़ की पिक्चर आनी चाहिए, दैट इज स्टारफिश, ठीक है। सब लोग को पता होगा स्टारफिश, उसका डायग्राम कहीं देखा होगा, स्टार की तरह लगता है, देख रहे हो, ये स्टारफिश की मैंने एक पिक्चर भी लगाई है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ गया कि हाँ, जो स्टारफिश हम जानते थे या जानते हैं वो किसको बिलोंग करता है, एकिनोडर्मेटा को बिलोंग करता है, ठीक है। तो एकदम इसके कई सारी आर्म्स होती है, देख रहे हो आप इस तरह से आर्म्स होती हैं, ठीक है। अब देखो, एक इसका नाम, जैसे मैंने बताया कि पहला करेक्टरिस्टिक किसके बेसिस पे, नाम के बेसिस पे, तो हम लोग वही पढ़ेंगे कि पहला करेक्टरिस्टिक एकिनोडर्मेटा का क्या होता है। देखो, डर्मेटा, जहाँ पे भी डर्मेटा वर्ड आ जाए, डर्मा वर्ड आ जाए, उसका मतलब ही होता है स्किन से। जैसे आपने अगर कोई स्किन का डॉक्टर है, ठीक है, तो उसको बुलाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। तो लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी करना, ठीक है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट बुलाते हैं। आप एक जब भी हमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है गर्मियों के दिनों में, तो हम एक पाउडर लेके आते हैं जिसका नाम है माइकोडर्म, ठीक है, मोस्टली घर में यूज़ होता है माइकोडर्म। एक डर्मीकूल होता है, देखो डर्मीकूल में भी यही चीज़ है, डर्मी स्किन पे लगाते हैं लेयर, ठीक है। और माइकोडर्म, माइको का मतलब हो गया फंगस, जहाँ पे भी माइको वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है फंगस, और डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन या लेयर। तो आप उस पाउडर को कहाँ लगा रहे हो, लेयर पे लगा रहे हो, क्लियर है। तो बायोलॉजी तो बहुत जगह से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो, डर्मा मतलब क्या हो गया, स्किन, और एकीन मतलब हो गया, एकिनोज मतलब हो गया स्पाइन, मतलब इनकी जो स्किन होती है उसमें स्पाइन्स निकले होते हैं, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं। तो पहला करेक्टरिस्टिक इनके नाम पे आप क्या बता सकते हो, एकिनोज मतलब स्पाइनी और डर्मा मतलब स्किन, इनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी होती है, क्लियर है, पहला। दूसरे, इनकी स्पीसीज लगभग जो है 7000 लिविंग स्पीसीज है, ठीक है, एक्सटिंक्ट तो बहुत सारी हो चुकी हैं इनकी, ये लिविंग स्पीसीज हैं 7000 जो प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल हैं, क्लियर। तो पहला करेक्टरिस्टिक हो गया कि इनका नाम के बेसिस पे। अब आ जाओ, ये मोस्टली मैरीन होते हैं पहला, ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं एकिनोडर्मेटा के, दे ऑल आर मैरीन। इनके बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लैटीहेलमिंथस से लेके और एकिनोडर्मेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं सब बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। जैसे आपने पोरीफेरा, मैंने आपको जादू वाला जो बताया था कि जो पोरीफेरा है, ठीक है, वो क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है। उसके बाद सीलेंट्रेटा और टेनोफोरा क्या होते हैं, रेडियल होते हैं। उसके बाद जितने भी फाइलम हैं उन सब के जो मेंबर्स हैं, दे शो विच टाइप ऑफ सिमेट्री, बाइलेटरल। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है कि इनका जो लार्वा होता है, ठीक है, एकिनोडर्मेटा के जो लार्वा होते हैं, दे शो बाइलेटरल सिमेट्री, याद रखना, बट देयर एडल्ट शो, इनके जो एडल्ट होते हैं, ठीक है, एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, और जो लार्वा है वो कैसे सिमेट्री शो कर रहा है, बाइलेटरल। तो याद रखना, ठीक है, कि बीच में एक ऐसा फाइलम मिलेगा आपको, एकिनोडर्मेटा, जिसमें दोनों ही सिमेट्री देखने को मिलेगी। बाइलेटरल किसमें देखने को मिलेगी, लार्वा में, और रेडियल सिमेट्री किसमें देखने को मिलेगी, एडल्ट में, क्लियर है। तो पहला करेक्टरिस्टिक ये उनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया।
उसके बाद हेड नहीं होता इनके बॉडी में। जो हेड पार्ट अभी हम लोगों ने मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था, इनके पास हेड नहीं होता, ठीक है। इनके पास कैल्शेरियस एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन मतलब जो इनका स्केलेटन पार्ट बनाता है, इस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ऑसिकल्स। देखो जहाँ पे भी ऑसिकल्स वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े होना। जैसे ईयर ऑसिकल्स, ईयर में जो तीन बोन होती हैं मैलस, इनकस और स्टेप्स, आप सुने होंगे, ठीक है, कि मैं ईयर में तीन बोन होती है। ये तीनों बोन एक दूसरे से कनेक्टेड होती है जिनको हम ईयर ऑसिकल्स बुलाते हैं, ठीक है। तो ऑसिकल्स का मतलब ही होता है कनेक्ट होना, एक दूसरे से जुड़े रहना, क्लियर। तो इन्हीं को बोलते हैं ऑसिकल्स, क्लियर। तो ऑसिकल्स होती हैं मतलब ये इनको जो एंडोस्केलेटन होता है उसमें ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। यूनिक वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने पोरीफेरा में पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर एंटर किया निकल गया, वाटर एंटर किया निकल गया, तो वो तो कैनाल है। लेकिन वैस्कुलर का मतलब क्या है कि वाटर एंटर किया, बॉडी में उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ प्रॉपरली, उससे कई सारे फंक्शन हुए, तब जाके वाटर निकलता है, तो उसको क्या बुला रहे हैं हम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन विच फाइलम वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज़ प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स को लगता है पोरीफेरा, नहीं, उसमें वाटर कैनाल सिस्टम है, याद रखना। उनके अंदर ऑस्टिया होते थे, उसके थ्रू वाटर एंटर करता था, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता था। तो ये क्या है, कैनाल है। लेकिन वैस्कुलर में क्या होगा कि वाटर एंटर करेगा, वाटर जो है बॉडी के कई सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब जाके वाटर निकलेगा, उसको बुलाते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद इनके बॉडी में लोकोमोशन जो होता है वो ट्यूब फीड सिस्टम के थ्रू होता है। अभी मैं पिक्चर में दिखा दे रहा हूँ आपको कि ट्यूब फीड सिस्टम क्या होता है। देखो इनकी बॉडी डिज़ाइन, देखो इस तरह से इनकी बॉडी डिज़ाइन होती है, देख सकते हो एनस, और जो माउथ होता है ना, एक्चुअली इनका अगर हम, वैसे तो मैं इसको थ्री डायमेंशनल शेप नहीं दिखा पा रहा हूँ आपका, जैसे नीचे से भी ऐसे पार्ट्स होते हैं ना, तो ये क्या करता है, माउथ ऐसे ऐसे होता है और एनस ऊपर की तरफ होता है, इस तरह से। देखो मेरे हाथ को देखो, माउथ यहाँ पे है और एनस ऊपर की तरफ है, उल्टा होता है, क्लियर है, ठीक है। तो नीचे से फूड लिया करते हैं ये, इस तरह से इनटेक कर लेते हैं और एनएस के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाता है। इनकी बॉडी में देखो स्पाइंस नज़र आ रहे हैं। वाटर कैनाल सिस्टम का मतलब है कि वाटर एंटर कर दिया और पूरे बॉडी पार्ट में उसका सर्कुलेशन होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको एक ट्यूब फीट दिख रही है, इनके बॉडी के अंदर ट्यूब फीट लगी होती हैं, उनमें जब वाटर एंटर कर जाता है तो उसी ट्यूब फीट से ये ऐसे ऐसे चलते हैं। फीट का मतलब क्या हो गया, पैर, और ट्यूब का मतलब होता है पूरे बॉडी में एकदम ट्यूब की तरह फैले होते हैं, तो उसी ट्यूब फीट के हेल्प से ये चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में भी मैंने लगा दिया, देखो ये फीट्स हैं, इनको बुलाते हैं ट्यूब फीट सिस्टम, और देख सकते हो आप इनके फीट ऐसे बाहर निकल देते हैं और इस तरह से पूरी तरह से फीट से चलते हैं। जैसे आपने ऑक्टोपस को देखा होगा ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर जो छोटे बच्चे होते हैं ऐसे ऐसे हाथ से नहीं चलते, एकदम वैसे ही जान लो, तो इनके पास ऐसे बहुत सारे फीट होते हैं और उसके हेल्प से ये क्या करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, क्लियर है। तो ट्यूब में आ गया, इसलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लोकोमोशन बाई एक्सटर्नल ट्यूब सिस्टम, ठीक है, कनेक्टेड विद वाटर वैस्कुलर सिस्टम। जब इसमें वाटर आ जाता है तो वाटर जो आता है तो उसकी हेल्प से ये मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर है, ठीक है। रेस्पिरेशन बाई डर्मल ब्रांकी, इनके पास जो डर्मस, मतलब डर्मस का मतलब हो गया जो स्किन होती है, उसके थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं। ट्यूब फीड सिस्टम के थ्रू भी वाटर जब इनटेक करते हैं तो उसके थ्रू भी ब्रीदिंग कर सकते हैं, मतलब इनके पास कोई ब्रीदिंग का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता। जैसे अभी आपने पहले के फाइलम में पढ़ा है कि गिल्स होते हैं, स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, तो ये इनके बॉडी में कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है। जैसे मोलस्का के बाद जब इस फाइलम को हम लोग पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अभी तक तो हम बहुत ज़्यादा एडवांस की तरफ बढ़ गए थे, लेकिन ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें बहुत सारे करेक्टरिस्टिक एडवांस नहीं है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है कि मोलस्का में तो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक एडवांस करेक्टरिस्टिक पढ़ चुके थे और यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्लियर है। तो पिक्चर के थ्रू समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब सिस्टम क्या होता है, ठीक है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। और पता है स्टारफिश के साथ एक बड़ी अमेजिंग फैक्ट है कि स्टारफिश अपना जो स्टमक वाला पार्ट होता है ना वो बाहर निकाल लेता है। अब सोचो हम क्या कभी अपने स्टमक को बाहर निकाल के खाना वाना खा के स्टमक अंदर कर सकते हैं, नहीं, इसकी बॉडी में ऐसा होता है। तो ये क्या करते हैं, अपने जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, मतलब जो स्टमक वाला पार्ट होता है, उसको बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, फीडिंग करते हैं और फिर अंदर कर लेते हैं,
ठीक है। तो इनकी इस तरह से पता लगता है कि इनकी जो अंदर की जो बॉडी है वो काफ़ी जो है वो अनलिंक है, मतलब वो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कनेक्टेड है, समझ में आया? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, तो कुछ और भी करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज मच रिड्यूस्ड, अभी आपने देखा था इसके पहले कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता था, एनीलिडा में देखा था क्लोज टाइप का देखा था, लेकिन यहाँ पे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बहुत रेयर है। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर अब्सेंट, क्योंकि वाटर वैस्कुलर सिस्टम है उसी के थ्रू एक्सक्रीशन भी कर लेंगे, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं। नर्वस सिस्टम जो इनका होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उसमें सेंट्रल और पेरीफेरल कन्वेंट का कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, तुम लोगों को पेरीफेरल समझ में आ गया ना, जैसे आपकी बॉडी में जैसे ईयरफोन से समझ सकते हो, जो आपका मोबाइल है वो सेंटर है, सेंट्रल है, ठीक है, और जो उससे लीड निकल रही है वो क्या है, पेरीफेरल है, इस तरह से समझो। तो एक सेंटर पे नर्व जो होती हैं वो मेन होती हैं, उससे बहुत सारी नर्व निकलती हैं जिनको हम बुलाते हैं पेरीफेरल। ठीक है, तो इस तरह से सेंट्रल और पेरीफेरल कंपोनेंट होते हैं जो पूरी बॉडी पे रेगुलेशन किए कि मतलब करते हैं, क्लियर है। उसके बाद देखो सेंस ऑर्गन्स इनके पास होते हैं। सेंस ऑर्गन्स में एक तो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर मतलब कोई केमिकल होगा तो उसके थ्रू ये जान पाएंगे, मतलब उसको सेंस कर सकते हैं। स्टेटोसिस्ट आपको पता है बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, ठीक है, इतनी बार आपने पढ़ लिया कि स्टेटोसिस्ट मतलब बैलेंसिंग ऑर्गन, आपको पता लग गया। ठीक है, उसके बाद इनके जो पोडिया होते हैं, जो फीट होते हैं, वो भी सेंस ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं। टेंटिकल्स होते हैं इनके बॉडी में, जो स्पिक्यूल्स निकले होते हैं उसमें जो टेंटिकल्स होते हैं वो भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, वो भी सेंस ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं, क्लियर हो गया। तो इस तरह से इनके करेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिले कि किस कौन कौन से करेक्टरिस्टिक होते हैं। मैं एक बार फिर से रिव्यू दे दे रहा हूँ। पहला एकिनोडर्मेटा, इनकी स्किन जो होगी स्पाइनी होगी, ठीक है। दूसरा मोस्टली जो इनके पार्ट्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, जैसे स्टारफिश में 5 आर्म की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मैरीन होंगे, ठीक है। इनके बॉडी में एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है, पूरे बॉडी में उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। इनके बॉडी में मूवमेंट लोकोमोशन कैसे होती है, ट्यूब फीट सिस्टम के थ्रू होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। नर्वस सिस्टम सेंट्रल और पेरीफेरल कॉन्स्टिट्यूट करके बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अभी मैंने एक चीज़ और बताई थी कि सिमेट्री के बारे में, कि इनका जो एडल्ट होता है वो सिमेट्री कैसी शो करता है, रेडियल, और जो लार्वल स्टेज होती है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करती है, ठीक है। ये हो गया इनके करेक्टरिस्टिक। सेक्स से सेपरेट होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वैसे तो रिप्रोडक्शन देखो इनमें रीजनरेशन की भी पावर होती है, कि अगर इनका कोई आर्म वगैरह अगर कट जाए तो ये फिर से उस आर्म को रिपेयर कर सकते हैं, रीजनरेशन कर सकते हैं, ठीक है, जिसको ऑटोटॉमी बोलते हैं। देखो पूरी बायोलॉजी में जहाँ पे भी टॉमी वर्ड आ जाए लास्ट में उसका मतलब कुत्ता नहीं होता, याद रखना, ठीक है। हाँ, टॉमी से याद कर सकते हो काटना, ऑटोटॉमी का मतलब हो गया कोई भी चीज़ अगर कट हो जा रही है तो अपने आप फिर से क्या हो जा रही है, फिर से डेवलप हो जा रही है, उसको बोलते हैं ऑटोटॉमी, अपने आप कट हो जाती है, अगर कट हो गई तो फिर से आ गई, ठीक है, तो उसको बुलाएंगे ऑटोटॉमी। तो जहाँ पे भी टॉमी वर्ड आ जाए, जैसे आपने 10th में पढ़ा है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, याद आ गया होगा, फेलोपियन ट्यूब को कट करना ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, और वास डिफरेंस को कट करना वैसेक्टोमी, क्लियर है। तो आपको बायोलॉजी में टॉमी वर्ड जहाँ पे भी आ जाए लास्ट में उसका मतलब होता है क्या करना, कट करना। तो इनके जो सेक्सेस होते हैं वो तो सेपरेट होते हैं, गोनेट्स बड़े बड़े होते हैं, गोनेट्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट मोस्टली मतलब लार्वल स्टेज के थ्रू होगा, और तुम्हें पता है लार्वल के थ्रू होगा तो डायरेक्ट डेवलपमेंट बुलाते हैं। और इनके जो लार्वा होते हैं वो फ्री स्विमर्स होते हैं, ठीक है, और ऑटोटॉमी और रीजनरेशन होता है, अगर इनका कोई भी पार्ट लॉस हो जाता है तो ये फिर से उसको रीगेन कर लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से इनके रिप्रोडक्शन के बारे में हो गया। अब आ जाओ इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टारफिश, ठीक है, आपने स्टारफिश अभी मैंने आपको दिखाई दिया, इसकी बॉडी, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एस्टेरियस, एस्टेरियस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टारफिश। बेंथिक, याद रखना जहाँ पे भी बेंथिक वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा डेप्थ में, तो ये जो होते हैं ओशन वगैरह में बहुत नीचे पाए जाते हैं, एकदम बॉटम पे, ठीक है, क्योंकि ट्यूब फीड सिस्टम से चलते हैं तो बॉटम पे होंगे, क्लियर। उसके बाद कार्निवोर्स होते हैं, नॉक्चुरनल होते हैं, नॉक्चुरनल मतलब नाइट में एक्टिव होते हैं, जैसे आउल जो होता है वो नाइट में एक्टिव होता है ऐसे ये भी नॉक्चुरनल होते हैं। फीड्स ऑन मोलस्कस, ये मोलस्कस को खाते हैं। इट कैन एवर्ट, अभी मैंने बताया था ना कि अपने स्टमक को बाहर की तरफ निकाल सकता है, फीड कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है और फिर से उस स्टमक को अंदर की तरफ कर लेता है, क्लियर है।
और ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आ गया कुकुमेरिया। बायोलॉजी में कुछ वर्ड ऐसे आते हैं बड़े अजीब तरह लगते हैं, कुकुमेरिया, ठीक है, ये कौन सा वर्ड है, सी कुकुम्बर बोलते हैं इसको, कुकुमेरिया को ही सी कुकुम्बर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इसका पिक्चर देखोगे तो आपको एकदम कुकुम्बर की तरह दिखेगा, ठीक है। कुकुम्बर मतलब समझ रहे हो ना, खीरा, वैसे ही। तो इट इज़ फाउंड ऑन द सी फ्लोर, ये सी फ्लोर पे होता है। वाइड एंड डिस्प्ले या क्रीपिंग मूवमेंट, ये क्रीपिंग मूवमेंट शो करता है। कलर इनका अलग अलग होता है, ठीक है। इनके पास जो ट्यूबल्स होती हैं ना, मतलब इनके पास जो ट्यूब फीट होती है, जो ट्यूबल्स होती है, वही रेस्पिरेटरी ट्री बना लेती है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है जैसे कोई ट्री है, ठीक है। तो उसी तरह ये दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं कुकुमेरिया। और नेक्स्ट है देखो, कुकुमेरिया का मैंने पिक्चर भी लगा दी है, ठीक है, देख सकते हो कुकुम्बर, ठीक है, किस तरह से। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा कुकुम्बर की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत अगर ये वाले सेकंड वाले जो कलरफुल पिक्चर है उसको देखो तो थोड़ा सा लग रहा है, हाँ, कुकुम्बर की तरह होता है। जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते होंगे तो जो ट्यूब फीट लगे होते होंगे वो एकदम कुकुम्बर में, जैसे सीड्स नहीं लगे होते एकदम वैसे ही दिखते हैं, इसीलिए इसको कुकुम्बर बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट एग्जांपल है एंटीडॉन। एंटीडॉन को वो लिली भी बोलते हैं, सी लिली, कभी कभी कॉमन नेम से पूछ लेता है सी लिली किसको बोलते हैं, तो सी लिली एंटीडॉन को बोलते हैं। एंटीडॉन मतलब फेदर स्टार। आप देख सकते हो इसका जो स्ट्रक्चर है एकदम फेदर की तरह है, इसमें स्टार शेप बना हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए इसको फेदर स्टार या लिली बोलते हैं। लिली देखा आपने, जो फ्लावर्स होते हैं एकदम वैसे ही दिखते हैं, इसीलिए इसको हम सी लिली भी बोलते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से एकिनोडर्मेटा भी कंप्लीट हो गया। तो आपने आज 9 फाइलम कंप्लीट कर लिए, क्लियर। इन 9 फाइलम को आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से, जैसे मैंने बताया था, डिफरेंसेस लिखने के लिए डिफरेंसेस ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, और कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछना। और कैरेक्टरिस्टिक को लिंक करना सीखो, जैसे नाम पे कैरेक्टरिस्टिक, फिर उससे कैरेक्टरिस्टिक, फिर उससे, इस तरह से 5-6 कैरेक्टरिस्टिक आप लिंक कर लो, ठीक है। अगर आपको 10 में से 5-6 भी कैरेक्टरिस्टिक याद हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। 3-4 कैरेक्टरिस्टिक तो एग्ज़ाम के पहले आप रिवाइज़ करोगे तो याद ही हो जाएंगे, लेकिन 5-6 कैरेक्टरिस्टिक आपको हमेशा याद रहने चाहिए किसी भी फाइलम के, कभी भी कोई पूछे, ठीक है। तो इस तरह से साथ ये मुझसे वादा करो कि हाँ सर, हम ऐसे ही तैयारी करेंगे और बायोलॉजी को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है। इसी थॉट के साथ मैं सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ। होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।